हेलो एवरीवन, बेटा आज से हम अपनी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम किस तरह से रिवीजन करेंगे? हम टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे और हर एक टॉपिक को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक में से कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के, 3 मार्कर, 2 मार्कर और एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, सो नो नीड टू वरी, हम अच्छे से रिवीजन करेंगे अपना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हिस्ट्री के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और एक बार रीडिंग अपने आप दे लेते हैं उस टॉपिक की। ओके, तो बेटा आज हम कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपका हिस्ट्री का है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, वहां राइज ऑफ नहीं है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर में राइज ऑफ नेशनलिज्म क्यों है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा थी ही नहीं। ठीक है, तो किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग एरोज होती है लोगों के मन में। अब यहां पर एक और बेटा चीज आती है, द डिफरेंस बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। पेट्रियोटिज्म क्या है और नेशनलिज्म क्या है? पेट्रियोटिज्म, हम सब पेट्रियोटिक है, ठीक है, वी लव आवर कंट्री इंडिया। तो पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है लव एंड डिवोशन फॉर द नेशन, और नेशनलिज्म का मतलब होता है, हम कहते हैं ना आर नेशनलिस्ट लीडर जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे। ठीक है, तो नेशनलिस्ट लीडर कौन होते हैं? द वन हु लव द नेशन, हैव अ डिवोशन लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, साथ में दे फाइट फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन। दोज हु कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन, नेशन के बनाने में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो पहले क्या था पूरी दुनिया में, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ मोनार्की, मोनार्की थी, राजा होते थे और उनके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो धीरे धीरे लोगों में आया कि एक नेशन का कंसेप्ट आता है, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। अब ये सब फीलिंग कहां से आती है? क्लास 9th में आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर देखा था, जो कि पहला चैप्टर था किताब का। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्यों था? बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन से दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन में? उस फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दुनिया को एक नए, बहुत सारे नए आइडियाज दिए, जैसे इट फर्स्ट टाइम गिव द आइडिया ऑफ लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। पहली बार दुनिया को लिबर्टी के बारे में जो है बताया, हाउ इंपॉर्टेंट इज द लिबर्टी फॉर अ पर्सन। पहली बार उन्होंने फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बोलते हैं ब्रदरहुड, इसका कंसेप्ट दिया दुनिया को। पहली बार डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन सबकी बात की गई। फ्रेंच रिवोल्यूशन की डेट याद है बेटा? 1789। 1789 का मतलब है एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जब फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दुनिया को ये चीजें दी, ये आइडियाज दिए, तो क्या हुआ? यूरोप में मेनली जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जो कि आपने क्लास 9th के चैप्टर 2 में पढ़ा था, रशियन रिवोल्यूशन वाले में, सोशलिज्म में। मेनली 3 हिस्सों में बट गए। पर एक लोग कहलाए कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन लोग होते हैं? अगर हम आज भी देखें, दे आर सम पीपल हु आर सेड टू बी कंजर्वेटिव, कुछ को हम लिबरल माइंडेड कहते हैं। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं, दोस हु आर नॉट रेडी टू चेंज, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ठीक है, जिन्हें जो सोसाइटी है, जो चीजें हैं, वो वैसी ही अच्छी लगती है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो दे ओनली एक्सेप्ट अ लिटिल चेंज, ओके, बट बाय रिस्पेक्टिंग द पास्ट। इसके अलावा एक ग्रुप हो गया कंजर्वेटिव, दूसरा था लिबरल। लिबरल कौन लोग थे? दोस हु वांट अ चेंज इन द सोसाइटी, जो दुनिया में बदलाव चाहते थे। और तीसरे जो ग्रुप था वो था कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स वो लोग थे, दोस हु वांट अ चेंज, और साथ में दे ऑल्सो वर्क, मीन्स रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, दोस हु फाइट फॉर द चेंज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उसमें देखेंगे डेफिनेशन में, और भी बहुत सारी चीजें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी लिबरल्स की, रेडिकल्स की, हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बेटा जो ये लिबरल लोग थे, ये अब 19th सेंचुरी में आकर कहलाते हैं, हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो कहलाते हैं लिबरल नेशनलिस्ट। क्योंकि ये लिबरल लोग जो बदलाव चाहते थे दुनिया में, इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन। अब ये क्या चाहते थे? एब्सोल्यूट मोनार्की दुनिया से खत्म हो जाए और क्या आ जाए? एक नेशन का कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, और नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखिएगा, इसी चैप्टर में आपके दिया हुआ है, नेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि नेशन में पीपल
ऑफ द नेशन, पीपल ऑफ द नेशन को हम क्या कहते हैं, सिटीजन। सिटीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, यहां सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब यहां से नेशनलिज्म के लिए 19th सेंचुरी के बिगनिंग में जो है एक तरह से अ मूवमेंट स्टार्टेड फॉर, इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट ये कहां से कर रहे हैं, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। अब देखो आर्टिस्ट भी कहां का है, फ्रांस का, क्योंकि ये सारे लिबरल आइडिया जो आ रहे थे फ्रांस से ही आ रहे थे मेनली, ठीक है, वहीं से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, वहीं इसकी रूट है। तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने एक पेंटिंग बनाई थी, असरीज, उसने चार जो है प्रिंट्स निकाले थे उसके, और उस पेंटिंग के जरिए उसने क्या किया था, ही ट्राई टू टेल टू द वर्ल्ड हिज ड्रीम। उसका एक वर्ल्ड वाइड ड्रीम था कि दुनिया कैसी हो, ठीक है, तो उसमें उसने बताया, और उसने उस पेंटिंग को नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। तो वो पेंटिंग आपकी बुक में दी हुई है, इफ यू कैन बी एबल टू सी, फाइन, ये पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग के जरिए फ्रेडरिक सोरियो ने आप बताया कि इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि बहुत सारे, एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा हुआ है। बेटा ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, ये भी हमने देखा था कि लिबर्टी का कंसेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया, उसके बाद एक एलिगेरी बनाई गई, एक स्टेच्यू बनाया गया विच सिंबलाइज लिबर्टी, फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। तो दुनिया के लोग जो है एक लाइन में, पीपल इन अ क्यू, इन अ क्यू आर मूविंग इन फ्रंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, और लोग एक लाइन में चलते जा रहे हैं, ठीक है, उसके आगे से। वो क्या सिंबलाइज करना चाह रहा है अपनी पेंटिंग से, वो ये दिखाना चाह रहा है कि सारे लोग एक लाइन में है, विच शो द फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, वो दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो है झंडे लिए हुए हैं हाथ में, होल्डिंग अ फ्लैग, और अपने ही जो नेशन है, जो उनका कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अटायर, ड्रेस वो पहने हुए हैं, ठीक है। तो वो दिखा रहे एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को, और दिखा है कुछ लोग आगे निकल गए। जो लोग आगे निकल गए हैं वो कौन है, दोज वर, वो बताया गया है कि वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है उनके लोगों को दिखाया गया, वो आगे निकल गए हैं। कुछ लोग जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के जस्ट सामने हैं वो फ्रांस है, और कुछ उसके बाद पीछे हैं, लाइक दैट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टू सेलेसी, लोम्बार्डी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये सारे लोग पीछे हैं, ये सब एक लाइन में है। तो ये पेंटिंग क्या सिंबलाइज कर रही है, ये पेंटिंग सिंबलाइज कर रही है कि ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स द फ्रेटर, टूवर्ड्स द लिबर्टी, सबको अब आजादी चाहिए, किससे, फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की। अब बेटा ये टर्म भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल आता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में। ये जो आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, इसमें से सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, जैसे पूछा जा सकता है फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग्स टू विच कंट्री, वॉज द आर्टिस्ट बिलोंग टू विच कंट्री, तो आपको पता हो ये फ्रांस से बिलोंग करता है, ठीक है। ईयर पूछा जा सकता है पेंटिंग का, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1848, जिसमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा पेंटर का नाम भी पूछा जा सकता है, पेंटर का नाम है फ्रेडरिक सोरियो। देन नेम ऑफ द पेंटिंग क्या था, तो नेम ऑफ द पेंटिंग क्या था, ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। इसके अलावा जब आप आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस द पेंटिंग। मैं एक बार आपको पेंटिंग एक्सप्लेन कर देती हूं। पेंटिंग में आपको बताया एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, लोग वहां से मूव कर रहे हैं। इन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या दिखाया है फ्रेडरिक सोरियो ने, देयर आर द शैटर्ड इमेजेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। शैटर्ड मतलब टूटे हुए टुकड़े, मुखोटे पड़े हुए हैं किसके, एब्सोल्यूट मोनार्की के। अब एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, मोनार्की तो आपको पता है राजा, एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट कहलाते हैं जब किसी की पावर पर कोई कंट्रोल ना हो, नो रेस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही तरीके से रूल कर रही हो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट। इसका एग्जांपल है मोनार्की, मोनार्की में ऐसा ही होता है, जो राजा होता है उसकी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, किस तरह से, अ गवर्नमेंट इन विच देयर इज नो रेस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ रूलर इज कॉल्ड, तो कौन सी गवर्नमेंट है, वो एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बाद पेंटिंग में दिखाया गया है कि स्काई में, आसमान में जो है बहुत सारे एंजल्स हैं, गॉड है, और वो सबको देख रहे हैं और सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इट मींस कि फ्रेटर्निटी, दुनिया में जो भी लोग हैं अलग अलग नेशन में, दे ऑल आर, सबको कैसे रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। तो ये पेंटिंग क्या क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है लिबर्टी,
फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, फ्रीडम, ये सारी चीजें दिखा रही है, ठीक है। और ये सब जो पेंटिंग में दिखाया है फ्रेडरिक सोरियो ने, वो उस पेंटिंग के थ्रू वो सब सच नहीं है, दैट वॉज हिज ड्रीम, जो उसका ख्वाब है, ठीक है, वो उस पेंटिंग के थ्रू शो कर रहा है। तो ये जो वर्ल्ड वो दिखाना चाह रहा है, इसके लिए टर्म यूज होती है बेटा यूटोपिया। तो ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। अब यूटोपिया है क्या? यूटोपिया है विजन ऑफ द सोसाइटी दैट इज टू आइडियल। एक विजन होना, एक सोसाइटी की सोच होना कि ऐसी हो सोसाइटी, ठीक है, लेकिन वो रियल में जो है पॉसिबल नहीं हो, बहुत मुश्किल हो। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, अब मैं सोचूं मैं क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर आता है, ठीक है, और सारे स्टूडेंट बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं और टीचर आता है, ऑल स्टूडेंट विश, सब उसको विश करते हैं, बैठ जाते हैं, टीचर जो भी 40 मिनट में पढ़ाता है सब पूरे ध्यान से सारा लेक्चर सुनते हैं, सब उनको याद रहता है। तो ऐसा 100% रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है ना, दैट इज अ यूटोपियन। मतलब अगर मैं ऐसा सोचूं ऐसा हो तो ये क्या, ये एक इमेजिनरी विजन है मेरा क्लासरूम का। तो यूटोपिया, आई होप सो समझ में आया होगा, यूटोपिया किसको कहते हैं, जो रियल में पॉसिबल, रियलिस्टिक बहुत कम हो, रियलिस्टिक ना हो, एक आइडियल फॉर्म हो, बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट सोसाइटी। तो यही जो यूटोपियन विजन था ये फ्रेडरिक सोरियो का था। फाइन, तो अब हम देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो एक तो हो गया आपका यूटोपिया, इसको भी एमसीक्यू फॉर्म में कैसे पूछेंगे, एन आइडियल सोसाइटी, अ विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी विच इज टू परफेक्ट इन रियलिस्टिक नॉट पॉसिबल टू कम कॉल यूटोपिया, ठीक है। एक एब्सोल्यूटिस्ट पूछा जा सकता है। एक और है बेटा, वो है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? ये कहलाता है अ डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, जैसे लाइक दैट ऑफ रेफरेंडम जैसे होता है। क्लास में पूछा गया एक स्टूडेंट को खड़ा करके, कौन कौन चाहता है कि ये मॉनिटर बने और कौन चाहता है ये मॉनिटर ना बने। तो मान लिया क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, 12 चाहते हैं बने और 12 चाहते हैं ना बने। तो दिस इज कॉल्ड प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब है डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, जिसमें यह पूछा जाए वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर सीबीएसई पूछता है, वैसे चांसेस कम है, एक बॉक्स सेकंड पेज पर आपका दिया है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे पूछेंगे कि उसने एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था व्हाट इज अ नेशन। तो ये पूछा जा सकता है कि हु हैड गिवन द लेक्चर इन द यूनिवर्सिटी बाय द नेम व्हाट इज अ नेशन, और उसका विजन बताकर पूछा जा सकता है कि किसने दिया। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अर्नेस्ट रेनन, और ये भी कहां से बिलोंग करता था, ही ऑल्सो बिलोंग टू फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको पता होना चाहिए नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट, रिमेंबर, नेशन स्टेट वो स्टेट होता है, अ स्टेट विच हैव अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दैट अ पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो वहां के लोग हैं उनकी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो, द डिसीजन ऑफ द पीपल आर इंपॉर्टेंट, तो वो नेशन कहलाता है। नेशन क्या है? हैविंग अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, एंड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री द पीपल वर आस्क फॉर इट। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन का पेज है जिसमें फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग दी है, यहां से आपके मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाने के चांसेस हैं इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस चैप्टर में बेटा टोटल 6 टॉपिक है दैट वी विल कवर सून। फाइन, so thank you everyone.